नमस्कार, मैं विजय पाल, पीजीटी हिस्ट्री, जी ट्रिपल एस रोड़ाई, सामाजिक विज्ञान के पार्ट इतिहास के चैप्टर 5 आधुनिक विश्व में चरवाहे कक्षा 9 में आपका स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, पाठ का उद्देश्य आधुनिक विश्व में अलग अलग क्षेत्रों में, विशेषतः भारत और अफ्रीका में जो चरवाहे हैं, उनके जीवन, उनके संघर्ष और समय के अनुसार जो परिस्थितियों में बदलाव हो रहा है, उसको जानना और समझना है। प्यारे बच्चों, पाठ के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। पहला, घुमंतु चरवाहे और उनकी आवाजाही, इसमें सब पॉइंट है। पहाड़ों में, पठारों, मैदानों और रेगिस्तानों में। दूसरा मुख्य बिंदु है औपनिवेशिक शासन और चरवाहों का जीवन, सब पॉइंट है। इन बदलावों ने चरवाहों की ज़िंदगी को किस तरह प्रभावित किया, चरवाहों ने इन बदलावों का सामना कैसे किया। तीसरा मुख्य बिंदु है अफ्रीका में चरवाहा जीवन, और सब पॉइंट है चारागाहों का क्या हुआ, सरहदें बंद हो गई जब चरवाहे या चारागाह सूख जाते थे, और लास्ट है सब पर एक जैसा असर नहीं पड़ा। प्यारे बच्चों, पहला जो मुख्य बिंदु है इस चैप्टर का, वो है घुमंतु चरवाहे और उनकी आवाजाही। इस मेन पॉइंट में हमारा पहला जो सब पॉइंट है वो है पहाड़ों में चरवाहे। जैसा कि आप मैप में देखेंगे, भारत के 3 अलग अलग क्षेत्रों में चरवाहों के बारे में बताया गया है। पहला है जम्मू और कश्मीर के गुजर बकरवाल, जिसमें ये बताया गया है कि यहाँ के लोग भेड़ बकरियों के रेवड़ रखते थे और चारागाह की तलाश में 19वीं सदी में ये लोग यहाँ पे आए थे। मौसम के हिसाब से ये लोग जगह में बदलाव करते रहते हैं। जाड़ों में यानी कि सितंबर में ये लोग निचले इलाकों में यानी कि शिवालिक की पहाड़ियों में आ जाते हैं, और फिर गर्मियों में वापस ऊपरी इलाकों में कश्मीर की घाटी में पहुंच जाते हैं। दूसरा सब पॉइंट है हिमाचल के गद्दी चरवाहे। जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं कि ये गद्दी चरवाहे हैं, ये लोग भी मौसम के अनुसार यानी कि सर्दी और गर्मी में अपने स्थानों में परिवर्तन करते रहते हैं। जाड़ों में ये लोग शिवालिक की निचली पहाड़ियों में आ जाते हैं, जहाँ झाड़ियों में अपने रेवड़ को चराते हैं, और फिर गर्मियों में वापस ऊपरी इलाकों में यानी कि लाहौल और स्पीति, जो घास के मैदान हैं, वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तीसरा जो पहाड़ी समुदाय है वो गढ़वाल और कुमाऊँ के गुजर चरवाहे हैं। जैसा कि आप मैप में इनकी तस्वीरों को देख रहे हैं, ये लोग भी मौसम के हिसाब से सर्दियों और गर्मियों में अपना जगह बदल लेते हैं। उदाहरण के लिए सर्दियों में भाभर यानी कि निचली पहाड़ियों में, और गर्मियों में बुग्याल यानी कि ऊपरी घास के मैदान हैं, वहाँ पे पहुँच जाते हैं। ये लोग यहाँ पे 19वीं सदी में चारागाहों की तलाश में जम्मू से यहाँ पर आए थे। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट का जो सेकंड सब हेडिंग है वो है पठारों, मैदानों और रेगिस्तानों में चरवाहा समुदाय। जैसे कि आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र का एक चरवाहा समुदाय है जो धांगड़ समुदाय है। आप मैप में देखेंगे, जैसे कि ये मैप रहा महाराष्ट्र का, ये पूर्वी इलाका है, ये अर्धशुष्क इलाका है। बरसात के महीने में ये लोग यहाँ पे रहते हैं, लेकिन जैसे ही बरसात ख़त्म होती है, क्योंकि यहाँ पे फिर चारे की कमी हो जाती है, तो ये लोग पश्चिमी इलाके में, कोंकण वाले इलाके में चले जाते हैं, और फिर यहाँ पे पशुओं को चरने के लिए यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। जब दोबारा से बारिश का मौसम शुरू होता है तो ये वापस फिर महाराष्ट्र के सेंट्रल क्षेत्र में चले जाते हैं, और ये इनका क्रम इसी तरह से आगे चलता रहता है। अगला है कर्नाटक और
आंध्र प्रदेश के पशुपालक समुदाय। इसमें विशेष रूप से दो समुदाय हैं, एक गोल्ला समुदाय है और दूसरा कुरुमा और कुरुबा समुदाय। जैसे कि आप मैप में देख रहे हैं कि ये समुदाय महाराष्ट्र के, कर्नाटक और आंध्र के जो एरिया है, यहाँ पर मौसम के हिसाब से ये लोग चलते रहते हैं। जैसे ही बरसात का मौसम आता है, ये लोग अपनी जगहों को छोड़कर के ना बदल देते हैं, और जैसे ही सूखा मौसम आता है, फिर ये अपनी जगह को बदल लेते हैं। उदाहरण के लिए, जब सूखे का मौसम आता है तो ये लोग तटीय इलाकों में चले जाते हैं, और बारिश का मौसम आता है तो वापस शुष्क इलाकों की ओर आ जाते हैं। ये लोग कुछ बकरियां पालते हैं, कुछ हाथ के कंबल बनाते हैं और लोगों को आगे बेचते रहते हैं। तीसरा समुदाय है रायका समुदाय, जो राजस्थान का एक समुदाय है। विशेष रूप से बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर, इन क्षेत्रों में या इन जिलों में ये मुख्य रूप से ये समुदाय है। ये समुदाय विशेष रूप से ऊंट पालते हैं। जैसे कि आप मैप में देख रहे हैं, ये इनके अलग अलग पिक्चर्स हैं। ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं अपने पशुओं के चारेगाह के तलाश में। अक्टूबर महीने में ये लोग अपने इलाकों को छोड़ देते हैं। अक्टूबर तक ये लोग अपने इलाके में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनके पशुओं के लिए पर्याप्त खाने पीने के लिए है। अक्टूबर के बाद ये दूसरे इलाकों में पहुँच जाते हैं, जहाँ इनके ऊँटों के लिए या इनके भेड़ बकरियों के लिए कुछ खाने की चीज़ें मिल जाती हैं। इसी ग्रुप में लास्ट जो समुदाय है वो है बंजारा समुदाय। बंजारा एक बड़ा ग्रुप है जो भारत के कई राज्यों में फैला हुआ है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई इलाके। जैसा कि आप इस मैप में देख रहे हैं कि ये अलग अलग स्टेट्स हैं, इन स्टेट्स में ये समुदाय है। ये एक प्रकार का घुमंतू समुदाय है, जो सामान का आदान प्रदान करता है, यानी कि ये एक प्रकार से जहाँ से लोग जाते हैं उनको अनाज के बदले में ये पशु और दूसरे प्रकार की जो सामान है उसका ये आदान प्रदान करते हैं। ये एक प्रकार से हमारे दोनों ही क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में और पठारों, मैदानों और रेगिस्तानी क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के जो चरवाहा समुदाय है उनके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी थी। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे वीडियो का सेकंड पार्ट है। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने देखा है कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग घुमंतू चरवाहे समुदाय हैं, जो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में हैं और अपना एक जीवन जीते हैं। लेकिन जब यहाँ पे औपनिवेशिक शासन आता है, औपनिवेशिक शासन का मतलब है ब्रिटिश काल। जैसे कि आप ये पिक्चर देख रहे हैं, ये औपनिवेशिक शासन की एक पिक्चर है। जब ब्रिटिश लोग यहाँ पे आते हैं तो समाज के हर समुदाय के जीवन पे उनका असर पड़ता है। तो इस टॉपिक में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इन चरवाहों की जिंदगी में क्या कुछ बदलाव आता है। तो इन चरवाहों की जिंदगी है वो पहले से काफी बदल जाती है। उदाहरण के लिए, सबसे पहला जो असर हम देखने को हम यहाँ पे देख रहे हैं वो है कि इनकी आजादी पर कंट्रोल हो गया है। आजादी किस बात की? आवाजाही की। आवाजाही, जैसे कि आपने फर्स्ट वाले पार्ट में देखा था
कि ये चरवाहे लोग मौसम के हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह पे आते जाते रहते हैं। जब सर्दी होती है तो इलाका बदल लेते हैं अपने पशुओं के चारे के लिए, या फिर जब सूखा पड़ता है तो उस हिसाब से भी ये अपना मौसम के हिसाब से जीवन बदल रहे हैं। लेकिन जब यहाँ पे औपनिवेशिक शासन शुरू हो गया, अंग्रेजों का काल यहाँ पे आ गया, तो उन्होंने इन घूमने फिरने की जो इनकी आजादी है उसको कंट्रोल कर दिया गया। दूसरा असर जो हमें देखने को मिलता है कि चारागाहों की कमी हो जाती है। और चारागाहों की कमी क्यों हो जाती है? क्योंकि अंग्रेजी सरकार ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र में कृषि करना चाहती थी, खेती को बढ़ावा देना चाहती थी, क्योंकि खेती ही उनकी इनकम का एक प्रमुख जरिया था, प्रमुख सोर्स था। इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों पर खेती करना चाहते थे और इसी कारण से चारागाहों में धीरे धीरे कमी आती चली गई। तीसरा जो कारण है इनकी जिंदगी में बदलाव आने का, वो है वन अधिनियम। जब अंग्रेज लोग यहां पे अधिकार कर लेते हैं तो वन जो लकड़ी के लिए या और अन्य उत्पादों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन के तौर पे था, उस पर ये कंट्रोल कर लेते हैं और अधिकतर क्षेत्र पर सरकारी एरिया डिक्लेयर कर देते हैं। वहां पे आम लोगों की आवाजाही है उसको बैन कर देते हैं, प्रतिबंधित कर देते हैं, क्योंकि वनों से ये लोग अपने लिए और अपने पशुओं के लिए अतिरिक्त खाना जुटा लेते थे। लेकिन जब इनका जंगलों में जाना मना कर दिया गया तो एक प्रकार से इनका जीवन में काफी कुछ बदलाव आ गया। तीसरा चौथा जो कारण है वो है सरकार के द्वारा लगभग हर सामान पर या हर चीज पर टैक्स लगा देना। ब्रिटिश सरकार ने अपनी कमाई को, अपनी इनकम को बढ़ावा देने के लिए लगभग हर चीज पे टैक्स लगा दिया गया। और चूंकि ये चरवाहे लोग हैं, इनके पास कोई स्थायी रोजगार नहीं है और ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाने के कारण इनका जीवन है वो काफी कुछ कष्टमय हो जाता है, बदल जाता है। तो ये एक प्रकार से ब्रिटिश काल के दौरान कारण भी है कि किन कारणों से चरवाहों का जीवन है वो बदल जाता है और इन कारणों की वजह से इनका जीवन किस प्रकार का हो जाता है। तो हम देखने की कोशिश करते हैं कि एक प्रकार जिनका जीवन है काफी कष्टकारी हो जाता है। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप मैप में देख रहे हैं, लगभग भारत के हर राज्य में ये घुमंतु चरवाहे हैं जो अपने पशुओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे औपनिवेशिक काल में इनके जीवन में बहुत से बदलाव आ जाते हैं। अब इस पार्ट में हमें देखना है कि इन घुमंतु लोगों ने इन बदलावों को कैसे स्वीकार किया या इन बदलावों ने इनकी जिंदगी को किस तरह प्रभावित किया। जैसे सबसे पहले कमी या समस्या क्या आई थी? चारागाहों की कमी होना। चारागाहों की कमी हो गई तो इसका समाधान के लिए इन्होंने क्या किया? नए चारागाहों की तलाश में ये लोग चले गए। नए चारागाहों की तलाश में ये लोग चले गए क्योंकि जो पुराने चारागाह थे उनको या तो ब्रिटिश सरकार ने वनों के अधीन ले लिया या इनको इनसे छीन लिया गया। इसलिए अपनी जरूरत के हिसाब से ये नए क्षेत्रों में जाना शुरू करने लगे। उदाहरण के लिए जैसे सिंध वाला क्षेत्र है जो पाकिस्तान में था, उसके स्थान पर ये लोग हरियाणा के ओर निकलना शुरू कर गए ताकि वहां की जरूरत के हिसाब से या अपने पशुओं की जरूरत के हिसाब से वहां से उनके चारा के लिए अरेंजमेंट कर सकते हैं। दूसरा तरीका इन्होंने क्या ढूंढा कि अपने पशुओं की संख्या में कटौती कर लेना या पशुओं की संख्या को घटा लेना। क्योंकि चारागाहों की कमी हो गई थी और सभी पशुओं के लिए खाने की जरूरत है वो पूरा नहीं हो पा रही थी, इसलिए उन्होंने या तो अपने पशु बेच दिए या उनकी संख्या कम कर दी।
ताकि ये उनका पेट आसानी से भर सके और अपनी जीविका है या अपनी जो जीने का तरीका है उसको ये लोग आगे चला सके। तीसरा तरीका इन्होंने ये देखा कि जो अमीर लोग थे या जिनके पास पशु ज्यादा थे, जिनके पास अतिरिक्त धन था, उन्होंने अन्य व्यवसाय अपना लिए। जो अमीर लोग थे उन लोगों ने बिजनेस या व्यापार या अन्य कोई काम धंधे अपना लिए और एक प्रकार से बदलती परिस्थितियों के हिसाब से इन्होंने अपने आप को एडजस्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि पिछले जीवन में काफी ज्यादा दिक्कतें थी, सरकार की ओर से काफी ज्यादा कंट्रोल हो रहा था, इसलिए इन्होंने समय की मांग को देखते हुए अपने लिए नए तरीके या नए रास्ते ढूंढ लिए। इसके अलावा कुछ लोगों ने, जिनके पास अतिरिक्त इनकम का धंधा नहीं था, उन लोगों ने कोई अन्य व्यवसाय या अन्य काम धंधे को अपनाया। अन्य का मतलब जिस इलाके में रहते हैं अब अपना ट्रेडिशनल है तरीका है उसको छोड़ दिया गया और जो जहां रहते हैं वहां जो भी अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने अपने आप को चीजों को एडजस्ट कर लिया। और लास्ट, कुछ लोग कृषि मजदूर हो गए। कृषि मजदूर का मतलब यह है कि अब वो लोग घुमंतु जीवन छोड़कर के ना एक जगह पे स्थायी रूप से रहना शुरू कर दिए गए और वहां जो अमीर किसान है उनके खेतों में लेबरर के तौर पे, कृषक के तौर पे अपने आप को उन्होंने एडजस्ट कर लिया। तो ये कुछ तरीके हैं जिसके वजह से घुमंतु चरवाहों ने अपने जीवन को व्यवस्थित करने का प्रयत्न किया। डियर स्टूडेंट्स, अब तक हमने वीडियो में जो देखा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने इस वीडियो में तीन बिंदुओं की बात की है। पहला, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए घुमंतु चरवाहों का जीवन, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह से लोग मौसम के हिसाब से अपना जगह बदलते हैं और किस हिसाब से अपना जीवन चला रहे हैं। दूसरा जो पॉइंट डिस्कस हमने किया है वो है औपनिवेशिक शासन में, यानी कि ब्रिटिश शासन में होने वाले बदलाव, ब्रिटिश शासन में इनके जीवन में क्या क्या बदलाव आए और किस तरह उन बदलाव इनको जीवन को प्रभावित किया, उनके बारे में बात की। और तो तीसरा बिंदु हमने डिस्कस किया है कि चरवाहों के द्वारा इन बदलावों की प्रतिक्रिया क्या रही या इन बदलावों के हिसाब से चरवाहों ने अपने जीवन में क्या बदलाव किया। तो ये हमारा लेक्चर था। उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर आपको पसंद आएगा, टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इसमें यही बातें थी। जब तक हम अगला वीडियो तैयार करते हैं या इसका सेकंड पार्ट तैयार करते हैं, तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए, वीडियो को देखिए। तब तक के लिए थैंक्स।